दोस्तों इस वीडियो में आज हम अदानी बिरला लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन वीडियो के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे गौतम अदानी ने अपने लैंडर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। उन्होंने अपने बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ की संभावना व्यक्त की है और इसका असर आने वाले क्वार्टर फोर में देखने को मिलेगा। यानी जिन्होंने भी इनको कर्ज दे के रखा हुआ उनका कर्ज पूरी तरह से सुरक्षित है, इसकी यहाँ पर गारंटी लेते हुए दिखाई दे रहे अदानी ग्रुप के गौतम अदानी। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को बहुत सारा नुकसान तो हुआ, लेकिन पिछले 50 दिन में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी हो चुकी है। निचले लेवल से अदानी ग्रुप को बहुत सारा बेनिफिट भी देखने को मिला है। तो कैसी रही है ये पूरी की पूरी, आप दो महीने की जो इनकी आप देखें तो ये यात्रा, जिसमें एक ऊपर से लेकर नीचे गिराव और फिर वापस उसमें एक रिकवरी, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप में फिर से वैसा ही माहौल बनेगा जैसा आज से 2 साल पहले था। कोविड काल के बाद अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा दौड़ा। जिसने भी कोरोना के बाद में अदानी ग्रुप में निवेश किया वो मालामाल हो चुके थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे कम भी हुए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बात करें गौतम अदानी की, तो पिछले 50 दिन में उनकी तकदीर पूरी तरह से बदल चुकी है। फिलहाल गौतम अदानी का ग्रुप अपने निवेशकों का विश्वास जीतने में लगा हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की वैल्यूएशन 50% कम हो चुकी है। दौलत की बात करें तो फिलहाल $60 बिलियन से ज़्यादा वो गंवा चुके हैं। और आप देख सकते हो पिछले 50 दिनों में गौतम अदानी ने अच्छा खासा फिर से कमबैक भी किया है और अदानी ग्रुप की जो दौलत है 50 दिनों में करीब 58% की तेज़ी वापस निचले लेवल से देखने को मिली है। मतलब साफ है कि अदानी ग्रुप की वैल्यूएशन में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि 27 फरवरी को गौतम अदानी का नेटवर्थ $3,717 अरब के आसपास था और अगर इसे भारतीय रुपए में देखा जाए तो ये करीब 3 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इसके बाद में उनकी दौलत में फिर से अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 27 फरवरी को गौतम अदानी का नेटवर्क $3,717 अरब के आसपास, यानी करीब इंडियन रुपीज़ में 3 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया था। लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है और 18 अप्रैल 2023 की बात करें तो इनका जो नेटवर्क है वो $5,914 अरब तक पहुँच गया, यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखा है अदानी ग्रुप ने और फिर से वो अमीरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। यानी इस समय दुनिया के 21वें अमीर बन चुके हैं, जो एक समय वो टॉप 30 से भी बाहर निकल चुके थे। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया फिर से गौतम अदानी ने। अदानी ग्रुप की कंपनियों की बात करें तो 50 दिनों में अदानी ग्रुप की कंपनियों की ग्रोथ में 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रुप की सभी 10 कंपनियों के मार्केट कैप में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है और आंकड़ों के अनुसार अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 27 फरवरी को 69,96,79,170 रुपीज के आसपास था, जो बढ़कर करीब देख सकते हो कि 95,86,62,199 रुपीज तक पहुंच गया है। सिर्फ अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें इसके मार्केट कैप में 61,000 रुपीज़ का इजाफा देखने को मिल रहा है और अदानी ग्रीन के शेयर में 100% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी अदानी ग्रुप ने अपने लैंडर्स का फिर से भरोसा जीतने के लिए काफ़ी बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से जो कहा गया है उन्होंने एक तरह से देखे तो भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि जो उनका इस बार जो एबिटाडा मार्जिन रहेगा इस बार क्वार्टर फोर में, उसमें 20% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो 61,200 रुपीज़ के आसपास रहेगा क्वार्टर फोर के दरमियान। अब वो पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 57,290 रुपीज़ के आसपास था, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इजाफा देखने को मिलेगा इस रिजल्ट के दौरान। उनका एबिटा मार्जिन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, 20% की वृद्धि है सालों साल बेसिस पर, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि उनका जो ग्रॉस डेट है वो 2.27 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है 31 मार्च के एंड तक, और फिलहाल अब इसमें और नया कोई भी डेट ऐड नहीं किया गया, यानी और कर्ज की वृद्धि नहीं हुई है। अब नेट डेट देखें तो फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा करीब 1.95 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर कंपनी ने करीब 23,590 रुपीज़ का अपना जो पुराना डेट था उसको क्लियर भी कर लिया है, यानी लगातार पुराने कर्ज को चुकाया जा रहा है और नया कर्ज फिलहाल नहीं लिया गया है। कंपनी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि फिलहाल उनके लिए कोई भी रिफाइनेंसिंग के लिए रिस्क नहीं है, इस समय उनकी जो किसी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आने वाले समय में नियर टर्म में ऐसा कोई मैच्योरिटी भी नहीं है, डेट मैच्योरिटी जिसको लेकर उनको कोई चिंता हो, यानी जो भी कर्ज है जो 2024 तक उनको चुकाने उनको सबको हमने चुका दिया है। और फिलहाल इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी उनकी तरफ से भी उनके डेट को ऊपर अच्छी रेटिंग दी हुई है। फिलहाल उनको कर्ज को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है और जो भी उनको जल्द में कर्ज चुकाना वो उनको पहले ही रीपे कर रहे हैं, यानी आने वाले समय कर्ज को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात है। तो लैंडर्स के बीच में काफ़ी बड़ा भरोसे का बयान आया अदानी ग्रुप की तरफ से।
तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से बहुत ही शानदार बयान दिया गया है। उनके हिसाब से जो भी उनके लैंडर्स हैं उनको चिंता करने की बात नहीं है, जो भी कर्ज है वो समय पे चुकाया जाएगा और कंपनी पूरी तरह से कारोबार वृद्धि के साथ आगे बढ़ा। उनका EBITDA मार्जिन में 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी, तो रिजल्ट बेहतर रहेगा, तो आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बिल्कुल बन सकता है। अब हम यहाँ पे अदानी पावर की बात करें तो 197 पर इसकी क्लोजिंग थी, 0.97% की फ्राइडे को तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे अदानी पावर के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है, अदानी पावर ने एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में जीत लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की सब्सिडीज कंपनी अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, जिसका मर्जर अब अदानी पावर में हो चुका है, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आप देख सकते हो कि जो अपीलेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल का जो जो ऑर्डर था उसको वापस यहाँ पे बहाल रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से जो यहाँ पे अपील की गई उसको खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी अदानी ग्रुप के फेवर में। तो ये काफ़ी बड़ी जीत है और एक तरह से देखें तो इस हिसाब से देखें तो अदानी ग्रुप के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा अदानी पावर के लिए एक अच्छी गुड न्यूज और है कि उन्होंने आप देख सकते गुरुवार के दिन ही देखे तो एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया, जिसको MOU कहेंगे, पावर सप्लाई एग्रीमेंट है ये 15 साल के लिए MP SEZ के साथ में यूटिलिटीज के लिए, जहाँ पे इनको 360 मेगावाट कैपेसिटी सप्लाई करनी है 15 साल के लिए। तो इनका जो 4620 मेगावाट का पावर प्लांट है मुंद्रा, वहाँ से ये बिजली सप्लाई करेंगे। तो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आने वाले समय अदानी पावर के रेवेन्यू में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को हमें मिल सकती है। अब हम चलते हैं अदानी विर्मा लिमिटेड की तरफ। 403 पर क्लोजिंग थी, 1.86% की गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट के पीछे वजह कि पिछले दिन तो तेजी बनी थी, उसके बाद दबाव देखने को मिल रहा है, बाजार में भी नरमी छाई हुई है, FI की बिकवाली जा रही है। अगर हम पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको पता होगा IPO रिसेंटली आया अभी 2 साल पहले। सेल्स देखे कंपनी का तो पिछले 5 साल के हिसाब से 18% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव है, ETM 16% पॉजिटिव है। सेल्स थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन जैसे कि इन्होंने कोइनर ब्रांड एक्वायर कर लिया, अब यहाँ पे कोइनर बिरयानी के तहत रेडी टू कुक के लिए इन्होंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका सेल अच्छा दिखने लगा है बाजार में। इसके अलावा भी कुछ छोटी कंपनियां और एक्वायर करने की प्लानिंग चल रही है, जिससे आने वाले समय इनका ये पोर्टफोलियो मजबूत हो जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 31% पॉजिटिव, ETM -17%। तो प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ गिरावट जरूरी है, लेकिन हमने पिछला Q3 देखा बहुत ही बेहतर था, जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बनेगा और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि पिछले मार्च के मुकाबले इनकी लाइबिलिटीज़ कम हो चुकी है। मार्च 2022 में देख सकते हो इनकी लाइबिलिटीज़ 20,251 को बीस के आसपास थी, जो सेप्टेम्बर 2022 में घटके 19,513 को बीस के आसपास आ गया, तो ये भी एक मजबूती का सबूत है। इसके अलावा नेट कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का 289 करोड़ माइनस था, जो इस समय 22 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी आ चुका है जो पहले निगेटिव था। तो ये जो सारी बातें साबित करती है कि इस समय अदानी विर्मा लिमिटेड काफ़ी अच्छा है और जैसे ही इस सेक्टर को लेकर इस संभावना कुछ पॉजिटिव बनेगी और ग्रुप के लिए कुछ संभावना पॉजिटिव बनने लगी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर इनके फेवर में फैसला आ जाता है तो ये सारे स्टॉक फिर से रॉकेट बनने को तैयार है, तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।